नमस्कार। जन सरोकार मंच द्वारा लगातार प्रसारित की जा रही श्रृंखलाओं में जिसका नाम हमने दिया है इनसे मिलिए, इनसे मिलिए अपने आप में ही ये कह देता है कि कोई विशिष्ट जन ही होगा जिसको लेकर हम आपके बीच, अपने श्रोताओं के बीच आज आ रहे हैं। आपने जहां गजल पर अपना हस्ताक्षर दिया, अपनी उपस्थिति दर्ज की है, उतनी ही खूबसूरती से अपनी दावेदारी हिंदी गीत पे भी आपकी है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज शोभा चंद्र जी आपके साथ हैं, आपकी रचनाओं से आप मुखातिब होइए और अपने बिल्कुल उन्मुक्त भाव से आपको कैसा लगता है उनको सुनना, उनकी रचनाओं के साथ उस पर आप कमेंट भी कीजिए। तो मैं आग्रह कर रहा हूँ शोभा जी से, शोभा जी आज का समय आपका, आपके गीतों के साथ हम आपकी प्रतीक्षा में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, सभी सुनने वालों को नमस्कार, मातेश्वरी को प्रणाम के साथ शुरू करती हूँ और आप तक पहुंचाना चाहूंगी जो कुछ लिखा है, जो कागज काले किए हैं, अपनी जी पीड़ा को उकारा या खुशी को उकारा या समाज की चिंता को उकारा, जो भी कोशिश रही है वो इस कागज पर है और आपके समक्ष आने को आतुर है। सबसे पहले चार पंक्तियों से आपसे जुड़ा चाहूंगी मैं कि कहते हैं मुझे शोभा हर दिल में बसेरा है, कहते हैं मुझे शोभा हर दिल में बसेरा है, हर दर्द को मैंने तो कागज पे उकेरा है, इन घोर अंधेरों से क्यों करके मैं घबराऊं, जब साथ मेरे हरदम ईमान का सवेरा है, कहते हैं मुझे शोभा हर दिल में बसेरा है। देखिए फिर गीत हो, गजल हो, कविता हो, छंद हो, रुबाई हो, कुछ भी हो, कुछ भी लिखिए, प्यार के बिना कलम आगे बढ़ ही नहीं सकती, जब तक प्रीत का रंग उसमें ना बिखर जाए तब तक बात कुछ अधूरी सी लगती है। तो आइए देखते हैं प्यार की शुरुआत कैसे होती है। कभी कभी एक तरफा भी होता है और कभी कभी नजर से नजर मिल जाती है तो एक नजर में भी प्यार हो जाता है। देखिएगा आप तक चार पंक्तियों से जुड़ना चाहूंगी। हम तेरे प्यार में गीत बुनते रहे, हम तेरे प्यार में गीत बुनते रहे, फूल ख्वाबो ख्यालों के चुनते रहे, जाने क्या बात थी उस नजर में तेरी, जाने क्या बात थी उस नजर में तेरी, जो कहा ही नहीं वो ही सुनते रहे, जो कहा ही नहीं वो ही सुनते रहे, हम तेरे प्यार में गीत बुनते रहे। गीत बुनने के लिए जरूरी होता है अंदर से भी कुछ प्यार की सुबुगाहट होना, और वो देखिए कैसे होती है। जब नजर से नजर की नजर मिल गई, अशोक जी देखिएगा प्लीज,
जब नजर से नजर की नजर मिल गई, जैसे लंबी सी शब को सहर मिल गई, जैसे लंबी सी शब को सहर मिल गई, गुनगुनाने लगे ये नजारे के जूं, गुनगुनाने लगे ये नजारे के जूं, आज आने की उनके खबर मिल गई, आज आने की उनके खबर मिल गई, जब नजर से नजर नजर मिल गई। ये तो थे मुक्तक जो आप तक पहुंचा रही थी। और अक्सर क्या होता है, हमें मुशायरों में कवि सम्मेलनों में जाना ही पड़ता है, तो वहां पर सबसे पहला प्रश्न होता है आप क्या लिखती हैं। उर्दू वाले पूछेंगे तगज्जुल लिखती हैं मोहतरमा, हिंदी वाले पूछेंगे श्रृंगार लिखा है मैडम। तो उस प्रश्न से ही एक रचना निकल के आई, आप आनंद लीजिएगा। मैं पहुंचाना चाहती हूँ तैतुल अल्फाज में कि हाँ मैंने श्रृंगार लिखा है। उन्होंने पूछा क्या आपने श्रृंगार लिखा है, मेरा जवाब सुनिए कि हाँ मैंने श्रृंगार लिखा है, एक नहीं सौ बार लिखा है, खुशियों संग गलबैया डाले कभी बसंत बहार लिखा है, और कभी बहते काजल से मन का हाहाकार लिखा है। हाँ मैंने श्रृंगार लिखा है कि हाँ मैंने श्रृंगार लिखा है, एक नहीं सौ बार लिखा है, खुशियों संग गलबैया डाले कभी बसंत बहार लिखा है, और कभी बहते काजल से मन का हाहाकार लिखा है, हाँ मैंने श्रृंगार लिखा है। कब कब लिखा है देखिएगा, कि जब कोयल की कूक बुलाती, कि जब कोयल की कूक बुलाती और अमराई गीत सुनाती, जब फूलों को भौरे की वो गुनगुन गुनगुन खूब लुभाती, कि जब कोयल की कूक बुलाती और अमराई गीत सुनाती, जब फूलों को भौरे की वो गुनगुन गुनगुन खूब लुभाती, जब तट को बेताब तरंगे, जब तट को बेताब तरंगे छूने को उठ उठ कर आती, और बादल के गले बिजलियां बाहों की माला पहनाती, और बादल के गले बिजलियां बाहों की माला पहनाती, तब प्यासे चातक की चाहत का वो कारोबार लिखा है, हाँ मैंने श्रृंगार लिखा है, हाँ मैंने श्रृंगार लिखा है, एक नहीं सौ बार लिखा है। और देखिए एक और चित्र, कि जब तन में फुलझड़ियां छूटी, कि जब तन में फुलझड़ियां छूटी, गुड़िया छूटी सखियां छूटी, उन भोले नैनों को पढ़कर जाने कितनी कस्में टूटी, कि जब तन में फुलझड़ियां छूटी गुड़िया छूटी सखियां छूटी, उन भोले नैनों को पढ़कर जाने कितनी कस्में टूटी, पल में ही पल में दुनिया बनती अपनी, पल में ही ये दुनिया रूठी, जब प्रियतम का साथ सुहाए, जब प्रियतम का संग सुहाए, और लगे ये दुनिया झूठी, तब प्रीत से सजा सुनहरी, तब प्रीत से सजा सुनहरी, सपनों का संसार लिखा है, हाँ मैंने श्रृंगार लिखा है, एक नहीं सौ बार लिखा है। एक और चित्र कि कब लिखा है मैंने बताना चाहूंगी, कि जब नैनों से नैना लागे, जब नैनों से नैना लागे, सारी सारी रतियां जागे, नहीं सूझता पीछे आगे, जाने किस दिन ये मन भागे, कैसे अजब अनोखे आली होते हैं ये प्रीत के धागे, कि जब नैनों से नैना लागे, सारी सारी रतियां जागे, नहीं सूझता पीछे आगे, जाने किस दिन ये मन भागे, कैसे अजब अनोखे आली होते हैं ये प्रीत के धागे, जब सारी दुनिया से बढ़कर, जब सारी दुनिया से बढ़कर कोई अपना अपना लागे, जब सारी दुनिया से बढ़कर कोई अपना अपना लागे, तब हंसती आंखों में मैंने, ध्यान दीजिएगा कि तब हंसती आंखों में मैंने आंसू का किरदार लिखा है, हाँ मैंने श्रृंगार लिखा है, एक नहीं सौ बार लिखा है, तब हंसती आंखों में मैंने आंसू का किरदार लिखा है, हाँ मैंने श्रृंगार लिखा है, एक नहीं सौ बार लिखा है। और देखिए और कब लिखा है मैंने, कि जब मौसम ने ली अंगड़ाई, जब मौसम ने ली अंगड़ाई और सावन ने झड़ी लगाई, जब नन्ही कोपल मुस्काई और चली ठंडी पुरवाई, कि जब मौसम ने ली अंगड़ाई और सावन ने झड़ी लगाई, जब नन्ही कोपल मुस्काई और चली ठंडी पुरवाई, ताल तलैया बेलों पर जब मधमाती फगुनाई छाई, तब चुपके से ढुलके एक अश्रु ने तेरी याद दिलाई, जब चुपके से ढुलके एक अश्रु ने तेरी याद दिलाई, तब पीड़ा की तुला पे तुली, तब पीड़ा की तुला पे तुलकर यादों का व्यापार लिखा है, हाँ मैंने श्रृंगार लिखा है, एक नहीं सौ बार लिखा है।
क्या बात, हाँ मैंने शनिवार लिखा है, एक नहीं 100 बार लिखा है। आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ, कोई कमी तो नहीं है ना? देखिएगा कि कब कब नहीं, लिखा सुना पूरा रसमी। है। और देखिए एक अंतिम स्पर्श इसका गीत का देखें, कि जब से तुम परदेश से पधारे, कि जब से तुम परदेश पधारे, राह तकत ये नैना हारे। जब से तुम परदेश पधारे, राह तकत ये नैना हारे। बिरहन सी अब इस देहरी को भूल बिसर गए सांझ सकारे। जब से तुम परदेश पधारे, राह तकत ये नैना हारे। बिरहन सी अब इस देहरी को भूल बिसर गए सांझ सकारे। चंदा करता नहीं ठिठोली, चंदा करता नहीं ठिठोली, और ना बतियाते हैं तारे सरगम की सुनी गलियों में। जब गुम हो गए गीत सारे, सरगम की सुनी गलियों में जब गुम हो गए गीत वो सारे। तब झरझर झरती आंखों से, तब झरझर झरती आंखों से, साजन तेरा प्यार लिखा है। हाँ मैंने श्रृंगार लिखा है, एक नहीं 100 बार लिखा है। हाँ मैंने श्रृंगार लिखा है, एक नहीं 100 बार लिखा है। यादों का व्यापार लिखा है, हाँ मैंने श्रृंगार लिखा है। ये थी कि मैंने कब कब मैंने उन्हें जो जवाब दिया इस तरीके से, ये वो था। और देखिए अब एक और गीत आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। दो गीत का समय तो है ना, जिससे मैं चूज कर लू कौन सा सुनाऊँ, है ना? ठीक जी, जी। कि आज पुरानी यादें लेकर ऐसे कुछ आ जाए मौसम, आज पुरानी यादें लेकर ऐसे कुछ आ जाए मौसम, सूनी सूनी इन आँखों में भर भर पानी लाए मौसम, आज पुरानी यादें लेकर। और देखिए बंद आप तक पहुंचना चाहता है, कि पल पल बैठे बाट निहारे, पल पल बैठे बाट निहारे, पल के सूनी राह बुहारे, पल के सूनी राह बुहारे। वो रातें निंदिया और सपने, वो रातें निंदिया और सपने, देखे कब लौट आए मौसम। वो रात निंदिया और सपने, देखे कब लौट आए मौसम, आज पुरानी यादें लेकर। देखिएगा बंद, देखिएगा आदरणी, कि कैसे कैसे मंजर देखे। बहुत कुछ जिंदगी में हमारे सामने से गुजरता जाता है, कभी हतप्रभ कर देता है, कभी आश्चर्यचकित करता है, कभी कभी खुशियों के आंसू भी आंखों में आते हैं। तो देखिएगा कि कैसे कैसे मंजर देखे, किस्मत के अनजाने लेखे, रात अमावस काले बादल, रात अमावस काले बादल, बिजली बन लहराए मौसम, रात अमावस काले बादल, बिजली बन लहराए मौसम, आज पुरानी यादें लेकर। और देखिएगा बंद, कि पत्थर बने हुए दिल सारे,
पत्थर बने हुए दिल सारे प्रेम प्रीत है बिना सहारे। गांव गली और कूचा कूचा गांव गली और कूचा कूचा देखे रोता जाए मौसम। गांव गली और कूचा कूचा देखे रोता जाए मौसम। रात अमावस काले बादल बिजली बन लहराए मौसम। वो रातें निंदिया और सपने देखे कब लौटाए मौसम। आज पुरानी यादें लेकर कैसा लगा गीत आप तक पहुंचना चाह रहा था, जो कुछ कहना चाहा मैंने? सुंदर है बहुत, शुक्रिया शुक्रिया, हौसला अफजाई, इसी तरह पीठ थपथपाते रहिए जिससे मैं आपकी रचनात्मक स्थितियां अलग तरह से मैच्योर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि यूं ही हल्का फुल्का लिख दिया हो, मौसम का मिजाज और जीवन आपने साकार कर दिया। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। एक देखिए ग्रस्त जीवन का, आपके हमारे जीवन का एक गीत, गृहस्थी के चारों सोपान उसमें समाये हुए हैं। ये गीत प्रस्तुत करूंगी, मुझे बहुत प्रिय है और इस पे बड़ी बहुत शाबाशी और बहुत आशीर्वाद भी बड़े बड़े लोगों का मिला है, जिन तारा प्रकाशी जोशी, जिनमें भगवत शरण जी चतुर्वेदी, जिनमें चंद्र कुमार सुकुमार, चंद्रगुप्त वार्ष्णे साहब, हरिराम आचार्य साहब, इन सब का आशीर्वाद भी मुझे मिलता रहा है। इसलिए सौभाग्यशाली हूँ कि इनके साथ मंच शेयर किया, मंच फिर मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई आज उन्हीं के आशीर्वाद से, शायद कुछ कह पाने का वो मेरी हिम्मत हो पा रही है। देखिए तुम सजन प्यार से गीत बन कोई अधरों से बह जाऊंगी। यूं न देखो मुझे तुम सजन प्यार से गीत बन कोई अधरों से बह जाऊंगी। यूं चुराओगे आंखों काजल पिया, यूं चुराओगे आंखों का काजल पिया। बन के सपना में पलकों में रह जाऊंगी, यूं न देखो मुझे। श्रृंगार है मगर ग्रस्त जीवन के सोपान को साथ लेकर चल रहा है। मैंने कहा श्रृंगार है मगर ग्रस्त जीवन के सोपान को लेकर चल रहा है जी। कुछ कह रहे हैं जी? नहीं नहीं अशोक जी, ठीक है नहीं आप बंद देखिएगा। मैं थी अलहड़ हवा बस मेरे बाग की, मैं थी अलहड़ हवा घर के गुलजार की। इन बहारों ने तुमसे मिला ही दिया एक नन्ही सी नाजुक कली की मैं, एक मुकुल एक कली की तरह सी थी मैं। तुमने मुझको कमल सा खिला ही दिया। तुम हो चंदा मेरे, तुम हो चंदा मेरे और मैं चांदनी। तुम हो चंदा मेरे और मैं चांदनी, बिन तुम्हारे अधूरी मैं रह जाऊंगी। यूं न देखो मुझे तुम सजन प्यार से
गीत बन कोई अधरों से बह जाऊंगी। दूसरा सोपान, पहला तो नजरे मिलने का था, अब दूसरे सोपान पे देखिए जहां नजदीकियां प्रगाढ़ हो जाती हैं। कि तुमने कैसा ये जादू भरा सांसों में, तुमने कैसा ये जादू भरा सांसों में, सैकड़ों दिल में तूफान मचलने लगे, और मुझ पे रहा ना यू कुछ बस मेरा, और मुझ पे रहा ना यू कुछ बस मेरा, ये कदम जाने कैसे बहकने लगे, यूं हमें से हमें छीन लोगे पिया, यूं हमें से हमें छीन लोगे पिया, बनके नदिया शर्म से मैं बह जाऊंगी, यूं न देखो मुझे तुम सजन प्यार से, गीत बन कोई अधरों से कह जाऊंगी। और देखिए फिर जब साथ निभाने का वक्त है तो किस तरीके से बात आगे बढ़ती है। मैं धरा हूँ गगन से मेरी दूरियां, मैं धरा हूँ गगन से मेरी दूरियां, तुम समझते जरा मेरी मजबूरियां, मैं धरा हूँ गगन से मेरी दूरियां, मैं धरा हूँ गगन से मेरी दूरियां, तुम समझते जरा मेरी मजबूरियां, मेरे जज्बात अब मेरी तकदीर है, मेरे जज्बात अब मेरी तकदीर है, जिनको सौंपी है मन्ने ही मंजूरियां, तुम मेरे नेह संबल। बहुत व्रत उपवास करती है हर स्त्री, करती है अपने पति के लिए, और किस तरीके से उसकी सलामती के लिए हमेशा दुआएं मांगती रहती है। देखिएगा पंक्ति आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, कि तुम मेरे नेह संबल सलामत रहो, तुम मेरे नेह संबल सलामत रहो, फिर मिले कोई टूटन तो सह जाऊंगी, यूं देखो मुझे तुम सजन प्यार से, गीत बन गोई अधरों से बह जाऊंगी। गीत का अंतिम स्पर्श आने को आतुर है। देखिएगा जो सबसे बड़ी पीड़ा की बात है, औरत के दिल को जो कचोटती है, वो पीड़ा मैंने इस बंद में समाने की कोशिश की है। देखिएगा, किसने देखे कभी मोम के आचरण, किसने देखे कभी मोम के आचरण, तिल तिल पिघलना, जरा जरा सा गलना, किसने देखे कभी मोम के आचरण, सबकी नजरों में है देह के व्याकरण, सबकी नजरों में है देह के व्याकरण, चाह फूलों की मैंने रखी है कहाँ, चाह फूलों कि मैंने रखी है कहाँ, मेरी किस्मत में है कंटकों के वरण, मेरी किस्मत में है कंटकों के वरण, तुम समर्पण को संज्ञाएं ऐसी न दो, तुम समर्पण को संज्ञाएं ऐसी न दो, भीत बालू की बनके मैं ढह जाऊंगी, तुम समर्पण को संज्ञाएं ऐसी न दो, भीत बालू की बनके मैं ढह जाऊंगी, तुम चुराओगे आंखों का काजल पिया, बन सम बन सपन तेरी
पलकों में रह जाऊंगी, यूं हमी से हमें छीन लोगे पिया, बन के नदिया शर्म से मैं बह जाऊंगी, तुम मेरे नेह संबल सलामत रहो, फिर मिले कोई टूटन तो सह जाऊंगी, यूं न देखो मुझे तुम सजन प्यार से, गीत बन कोई अधरों से बह जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत सुंदर रचनाएं हैं आपकी, और मैं शुक्रिया उम्मीद करता शुक्रिया हूँ शुक्रिया। कि